ये जो है छोटा सा कैंटीन है कॉलेज का, आप देख लीजिए, ये पूरा छोटा सा कैंटीन है। कैंटीन अभी भी वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो यही कॉलेज है अपना, ये देख लीजिए, जयपुर का आर गायब हो चुका है। ये वॉलीबॉल कोर्ट है और कॉलेज की बसेस खड़ी हुई हैं अभी सामने। ये छोटा सा ग्राउंड कह सकते हैं, पार्क टाइप का, पानी स्पार्कलिंग हो रहा है उधर, इधर ग्राउंड जो मैंने आपको दिखाया था आते समय। और यही कुछ है अपना कॉलेज छोटा सा। सामने की ओर से रास्ता है, यहाँ पर हमने बहुत क्रिकेट खेला है। छोटा डिपार्टमेंट में जो मैच होता था यहाँ पर, और जो मेन जो मैच होता था ग्राउंड में उधर। और बाकी पेड़ जो है सूख चुके हैं, गर्मी बहुत तेज़ है, देख लीजिए पूरा पत्ता झड़ चुका है। और अभी जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर में लाइब्रेरी था हम लोग टाइम पे, पता नहीं अभी भी है या नहीं। और ये है बिल्डिंग, वो जो आपको सीढ़ी दिख रहा है सामने, पहले वहाँ से एंट्री था फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, बाकी फिर थर्ड फोर्थ ईयर में उधर से फिर एंट्री होने लगा। फैकल्टी आ चुके हैं और 9:15 हो चुका है अभी, और अभी चलते हैं, जो काम है वो कराते हैं फिर, और फिर निकलना भी है जल्दी, क्योंकि रुक भी नहीं सकते ज़्यादा यहाँ पे। Approximately 10 hours later. मेन प्रॉब्लम ये है ना कि अभी शाम के 5 बज चुके हैं, और अभी जो सुबह में जो मैजिक्स आए थे उसका टाइमिंग अब पता नहीं है। वैसे भी कॉलेज टाइम भी रहता था तो 3 बजे तक ही रहता था, तो अभी हो सकता है कि मैजिक मिले या ना मिले, तो अभी देखते हैं कैसे जाते हैं हॉस्टल तक। ये भी एक प्रॉब्लम है, अभी देखते हैं जो भी मिलेगा उसको रुकवाएंगे, और क्या, हॉस्टल तो जाना ही है किसी न किसी तरह। बाकी अब रोड आ चुका है, आगे से मुझे राइट लेना है। अब पहले जो हम लोग जाते थे ना, पहले जब ये रोड नहीं बना था तब हम लोग इधर से जाते थे, यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता था कलवाड़ा गांव में आगे, वहाँ से फिर हम लोग जाते थे। बट अब क्या है कि ये रोड बन चुका है। एक्चुअली जो हम लोग लास्ट ईयर में थे तभी यहाँ ये रोड बन चुका था, ये जो है सामने वाला, जो कि अभी राइट तरफ मैं अभी जाऊँगा उधर, तो काफ़ी अच्छा हो गया अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बाकी ये वायर आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज है, नीचे तक आवाज़ करता है यार, डर लगता है बहुत ज़्यादा। तो अभी देखते हैं, वेट करते हैं क्या कैसे जाएंगे। पता नहीं आवाज़ आया होगा या नहीं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन अब मुझे इधर जाना सीधा हॉस्टल की तरफ। यहाँ की गर्मी में एक बात है, आपको ज़्यादा पसीना नहीं आएगा, बस आप जलन टाइप का फील होगा, मतलब ज़्यादा गर्मी का एहसास होगा बट पसीना नहीं निकलता इधर, ये एक खासियत है। चलिए रोड, ये रहा कॉलेज का बाउंड्री, ये कभी खुला ही नहीं आज तक इधर से। ये राजस्थानी झाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी, सारा का सारा ये सब राजस्थानी झाड़ी ही है, इतना बड़ा बड़ा आपको मेनली पूरे राजस्थान में सारा कुछ यही मिलेगा, वो पेड़ और ये झाड़ी। तो अभी हम अपना स्टॉपेज पे आ चुके हैं, देखते हैं यहाँ से मिलता है नहीं। और ये पेट्रोल पम्प आपको दिख रहा होगा, ये जब हम लोग फोर्थ ईयर में थे तभी बना था ये, और अब तो काफ़ी ज़्यादा रोड बन, मतलब ज़्यादा प्रोग्रेस हो गया। तो गाइस ये है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, एक आगे में एक ऑफिस है बहुत बड़ा महिंद्रा का, उसमें इंफोसिस और 2-3 कंपनियाँ हैं। और ये है मेन रोड जो कि कनेक्ट करता है अजमेर हाईवे से, जो मैंने आपको दिखाया था पहले आते वक्त सुबह में, उसी को एक कनेक्ट करती है। और सामने ट्रिकल डिपार्टमेंट का ऑफिस है PWD का, और
ये भी रोड जो है ये भी जब हम लोग थर्ड फोर्थ ईयर में थे तब बनना स्टार्ट हुआ था, उसमें ये सिर्फ सिंगल मतलब ये सिंगल ही लेन था, अब तो डबल लेन हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा चौड़ा भी है। और इससे रिलेटेड एक इंसिडेंट मुझे अभी भी याद है, जब ये बन रहा था तो उस समय हम लोग दो तीन फ्रेंड थे, उसमें हमने एक स्कूटी ली हुई थी तो आगे जा कर के हमारा एक्सीडेंट हो गया था। एक्चुअली गर्मी के दिन था और टायर जो था ना बहुत ही ज़्यादा वीक था तो ब्लास्ट कर गया था चलते चलते। हालांकि ज़्यादा स्पीड में तो नहीं थे, 40-50 पे ही थे, बट फटने के बाद होता क्या है कि रिंग भी पूरा वो लोड चला गया था, फिर कंट्रोल नहीं कर पाए तो ज़्यादा गिर ही गए थे। तो अब पता नहीं अब वो निशान होगा भी है नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वो था। हालांकि ज़्यादा चोट नहीं लगा था, थोड़ा सा लगा था बट ज़्यादा मुझे ही लगा था। बाकी ये देख लीजिए बाउंड्री है, पूरा महिंद्रा का ही है, काफ़ी बड़ा एरिया में है। इधर एक कलवाड़ा गांव है तो वहां तक इसका बाउंड्री है, बहुत ही बड़ा एरिया लिया हुआ है इन्होंने और काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है देखने में। रात को तो ये जब ये लाइट जलेंगी तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। और कुछ इस तरह का व्यू है, ये देख लीजिए सामने किनारे किनारे फूल लगा हुआ है, अभी फूला नहीं है। बल्कि मेन प्रॉब्लम अभी ये है कि हॉस्टल पे कैसे पहुंचा जाए, जीप तो मिल नहीं रहा जिससे सुबह में आए थे, और अभी देखते हैं कुछ मिल जाए तो सही है, हाथ वहाँ देना पड़ेगा नहीं तो कोई अगर मिल जाए तो ठीक है। बाकी देख लीजिए इस सुबह ठीक है, तो फिर मिलते हैं सीधा हॉस्टल पे। अभी बज रहे हैं 5:20 हो चुके हैं, फिर चलते। मुझे एक नया चीज़ दिखा, मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं येलो बिल्डिंग, एक स्किल डेवलपमेंट करने के लिए ये बनाया जा रहा है। सामने आपको दिख रहा होगा भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जयपुर के नाम से ये बनाया जा रहा है, काफ़ी बड़ा है स्किल डेवलपमेंट, और इसका बोर्ड सामने ही आपको दिख रहा होगा। अभी शायद स्टार्ट भी हो चुका है क्योंकि वो जो वहाँ उधर से कुछ लोग भी आ रहे हैं निकल के। तो मुझे लगा बताना चाहिए तो मैंने बता दिया। ठीक है फिर हॉस्टल पे मिलते हैं।